गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे आंवला के बारे में। आंवला जो कि 3000 सालों से अपने आयुर्वेदिक गुणों के लिए जाना जाता है और ये बहुत ही अच्छा एक हेल्थ टॉनिक के रूप में पहचाना जाता है। आंवला जो है इसमें विटामिन सी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है एंड वी ऑल नो दैट विटामिन सी इज़ अ वेरी गुड एंटीऑक्सीडेंट विच इज़ वेरी गुड फॉर इम्यूनिटी। सो इसमें विटामिन सी जो है बहुत ही अच्छी मात्रा में पाया जाता है, इसलिए ये हमारी इम्यूनिटी के लिए भी बहुत अच्छा होता है फ्रेंड्स। इसके बाद इसमें कैल्शियम पाया जाता है, कैल्शियम जो कि हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है, हमारे टीथ हमारे यानी कि दांतों को स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करता है। सो इसमें कैल्शियम मिनरल भी पाया जाता है। नेक्स्ट इसमें फॉस्फोरस भी पाया जाता है, फॉस्फोरस जो कि हमारी हड्डियों की ग्रोथ में हेल्प करता है। आंवला को फ्रूट ऑफ लाइफ भी कहा गया है एंड ये एक बहुत ही अच्छा नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट के रूप में माना जाता है आंवला। अगर हम बात करें आंवला के बेनिफिट्स की तो ये बहुत ही अच्छा रिच सोर्स होता है विटामिन सी का, जो कि हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा होता है। आंवला हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने का काम भी करता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं और फ्लेवोनॉइड्स भी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। एंड इसके अलावा आंवला जो है हमारे भोजन में से जो पोषक तत्व होते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनको एब्जॉर्ब करने में भी मदद करता है। इसके अलावा हाइपोग्लाइसिमिया में ट्रीट करने में हेल्प करता है। देन आपको इम्प्रूव करता है आपकी स्किन प्रॉब्लम्स में आपको काफ़ी राहत दिलाता है एंड आपके बालों की हेयर ग्रोथ के लिए ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट। ये आपके शरीर में एसिडिटी की जो प्रॉब्लम होती है उसे कम करता है। अगर हम आंवला लेते हैं रेगुलरली तो एसिडिटी की प्रॉब्लम से हमें छुटकारा मिलता है। हमारी आइज़ के लिए ये बहुत अच्छा होता है। हम सबको ये चीज़ पता है कि आंवला हमारे आइज़ के लिए टॉनिक माना जाता है। आंवला जो है कितना अच्छा होता है हमारी आँखों की रोशनी के लिए। इसके अलावा ये अगर किसी भी तरह का कॉन्स्टिपेशन हो तो आंवला जो है बहुत राहत दिलाता है। अगर हम रेगुलर आंवला खाते हैं तो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी नहीं आती है। ये हमारे लंग्स को मजबूत बनाता है क्योंकि हमें पता है कि इसमें विटामिन सी अच्छी मात्रा में पाया जाता है और इम्यूनिटी के लिए विटामिन सी इज़ अ मस्ट। सो लंग्स के लिए ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है और लंग्स को ये मजबूती प्रदान करता है। हमारे स्किन कॉम्प्लेक्शन को अच्छा करता है, हमारे स्किन में चमक लाता है, ग्लो लाता है। ये सब तो हम सबको पहले से ही पता है इसकी आयुर्वेदिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि स्किन हेयर आइज़ के लिए ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट होता है। ये टॉक्सिन्स को भी निकालता है। आंवला हमारे लीवर हेल्थ को भी ठीक करता है, लीवर हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है, ब्रेन हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है, हार्ट हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है। और इसके अलावा अगर हमारे शरीर में सूजन है या बुखार है तो उसे भी कम करने में ये हेल्प करता है। आंवला जो है एक एनर्जी बूस्टर के रूप में काम करता है। बहुत ही अच्छी एंटीऑक्सीडेंट इसमें प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं फ्रेंड्स। हमारी मसल टोन को भी ये इम्प्रूव करता है। अगर किसी को यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है तो उसमें भी आंवला बहुत ज़्यादा असरदार होता है। आप अगर किसी को यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है तो आप उसे नीम, आंवला एंड क्रैनबेरी दे सकते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा लाभ होता है। इसके अलावा अगर किसी को लीवर से संबंधित कुछ प्रॉब्लम है या फैटी लीवर है या लीवर में कुछ भी प्रॉब्लम है तो उसमें आप आंवला दे सकते हैं। आंवला जो है बहुत ही असरदार होता है लीवर प्रॉब्लम्स में। आप उसमें उसे नोनी, आंवला एंड लीवर हेल्थ, ये तीन चीज़ें आप सजेस्ट कर सकते हो। ये बहुत ही असरदार होता है फ्रेंड्स। इसके अलावा अगर किसी को लंग्स में प्रॉब्लम है, किसी की सांस फूलने में सांस फूलती है, किसी को सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, किसी भी तरह का लंग प्रॉब्लम है तो आप उसमें आप सजेस्ट कर सकते हो नोनी, आंवला एंड रेस्पोकेयर। ये बहुत ही असरदार कॉम्बिनेशन है फ्रेंड्स अगर किसी को भी लंग्स प्रॉब्लम है। तो इस तरह से आंवला जो है एक बहुत ही अच्छा एनर्जी बूस्टर के रूप में काम करता है, बहुत ही अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में काम करता है और अभी जो सिचुएशन चल रही है उसमें इम्यूनिटी के लिए ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट माना गया है आंवला। और हमारा जो आंवला है ये जो है कोई हाइब्रिड आंवला से नहीं बना हुआ है, ये कैप्सूल में एक पाउडर फॉर्म में पाया जाता है और ये जंगली आंवला होता है जो कि जंगल में मिलता है, छोटा छोटा होता है, काले रंग का आंवला होता है। और ये देसी आंवला जिसे हम बोलते हैं ये वो जंगल में पाया जाता है, ये वो आंवला इस कैप्सूल में पाउडर रूप में डाला गया है ताकि ईजिली कंजम्पशन हम इसका कर सकें। एंड जो हाइब्रिड आंवला मिलते हैं बाहर से वो आप देखोगे बड़े बड़े होते हैं,
वो हर मौसम में आपको उपलब्ध हो जाता है। आपने कभी सोचा है कि ठंड में ही विटामिन सी वाले जितने भी फ्रूट्स होते हैं वो क्यों उगते हैं, ठंड में ही क्यों आते हैं? क्योंकि नेचर ने भी इस चीज़ को बना के रखा है कि ठंड में हम लोग कम पानी पीते हैं, एंड जो विटामिन सी के जो फ्रूट्स होते हैं वो हमारे शरीर में पानी की कमी को पूरा करते हैं। सो नेचर ने भी देखिए कितना सुंदर तरीके से ये चीज़ बना के रखा है कि ठंड में जब आप कम पानी पीते हो तो उसी टाइम विटामिन सी वाले जितने भी फ्रूट्स होते हैं उसी टाइम ठंड में आते हैं, ताकि हम हमारे शरीर की जो पानी की कमी है वो पूरी हो सके विटामिन सी के थ्रू। सो जो देसी आंवला होता है, जो हमारा वेस्टीज का जो कैप्सूल फॉर्म में जो देसी आंवला है पाउडर फॉर्म में, वो एक्चुअली हर मौसम में नहीं होता है, वो ठंड में ही होता है, और उसे पाउडर्ड फॉर्म में जमा करके कैप्सूल्स के अंदर रखा जाता है। बाहर आप जो आंवला देखते हो जो आपको हर मौसम में दिखते हैं वो हाइब्रिड किस्म के आंवला होते हैं, जो काफ़ी बड़े साइज़ में होते हैं, वो हाइब्रिड आंवला होते हैं, इतने इफ़ेक्टिव नहीं होते हैं फ्रेंड्स। लेकिन जो जंगली आंवला होता है, जो कि काले रंग का छोटा सा होता है, बहुत छोटा होता है और जंगल में मिलता है, ब्लैक कलर का होता है, थोड़ा कसैला भी होता है, ये आंवला जो होता है हमने वेस्टीज कैप्सूल्स में पाउडर्ड करके रखा हुआ है, और ये आपको स्टोर्ड वेस्टीज कैप्सूल के फॉर्म में दिया जाता है, जो कि बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है फ्रेंड्स, बहुत ही असरदार होता है और बहुत ही नेचुरल है, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट। आप खुद भी कंज्यूम करिए एंड औरों को भी सजेस्ट करिए इसे। सो थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।